सिविल लाइन थाना अंतर्गत पुराने बस स्टैंड में बम की सूचना पर अफरा तफरी का माहौल। मौके पर बॉम्ब स्क्वाड टीम ने पहुंचकर बम को किया डिफ्यूज। दरअसल पुलिस की यह एक मॉक ड्रिल थी। पुलिस की मॉक ड्रिल पुराने बस स्टैंड में संदिग्ध सूटकेस में बम मिलने से अफरा तफरी। बम स्क्वाड टीम ने सफलतापूर्वक बम को किया डिफ्यूज। सिविल लाइन थाने का है मामला। रीवा शहर के पुराने बस स्टैंड में आज शाम अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को सूचना मिली पुराने बस स्टैंड में एक सूटकेस में बम टाइप संदिग्ध वस्तु है। बम की सूचना मिलते ही बस स्टैंड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। उस दौरान बस स्टैंड के अंदर काफी मात्रा में बसें मौजूद थी। मौके पर सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना दी गई। सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची। सूटकेस में बम जैसी संदिग्ध वस्तु देखने पर बम स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। बस स्टैंड में उस समय भारी भीड़ थी। इसी बस स्टैंड से जबलपुर सतना नागपुर के लिए बसें छूटती हैं। बस स्टैंड में संदिग्ध सूटकेस मिलने से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। चारों तरफ भगदड़ का माहौल। पुलिस ने जगह को खाली कराया। उसके बाद बम स्क्वाड टीम ने अपना कमाल दिखाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा एक संदिग्ध सूटकेस रखा हुआ है। बक्से के भीतर बम होने के संकेत मिल रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर सिविल लाइन पुलिस ने बक्से को खुलवाने के लिए बम स्क्वाड को भी बुला लिया था। बम स्क्वाड टीम ने बक्सा खोलने के बाद बम को सिस्टमैटिक तरीके से डिफ्यूज करने में कामयाबी पाई। आज कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि बस स्टैंड पुराने बस स्टैंड में कोई एक संदिग्ध बॉक्स रखा हुआ है जिसमें कोई भी एक्सप्लोसिव सामग्री होने की संभावना है, बम भी हो सकता है। इस सूचना को काफ़ी गंभीरता से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लिया गया। तत्काल कंट्रोल रूम के माध्यम से समस्त थानों को और बम डिस्पोजल स्क्वाड को एक्टिव किया गया। यहाँ पर मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा उसको कॉर्डन किया गया, जनता को वहाँ से खाली कराया गया। इसके बाद यहाँ बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुँचा। उसने अपने अत्याधुनिक उपकरणों के माध्यम से वहाँ पर पहुंचकर एक्सरे वगैरह के माध्यम से यह देखा कि इस सूटकेस के अंदर कोई ना कोई विस्फोटक सामग्री है, जो कि अगर विस्फोट होता है तो काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मोर्चे को संभाला और सफलतापूर्वक दूर से ही ऑटो कटर के माध्यम से और बम स्क्वाड के विशेष उपकरणों और परिवेश के माध्यम से वहां पहुंचकर उसको इनएक्टिव किया गया है, निष्क्रिय किया गया है। और जब उसको खोल कर देखा गया तो ये पाया गया कि उसके अंदर एक्सप्लोसिव था। निश्चित तौर पे किसी की साजिश रही होगी जिसको विफल कर दिया गया। सर क्या था उसके अंदर, कैसी डिवाइस? उसके अंदर डिवाइस में एक IED कहलाता है, जो कि जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, बदमाश किस्म के लोग होते हैं, वो एक्सप्लोसिव यानी विस्फोटक सामग्री को ब्लास्ट करने के लिए सर्किट तकनीकी सर्किट तैयार करते हैं, जिसमें धक्का लगने पर या कि उसको किसी विशेष प्रेशर के माध्यम से उसको विस्फोट किया जाता है, जिससे काफ़ी जनहानि होती है। अब क्षमता तो अभी इसका जांच होगी तो पता चले। उसको जब्त कर लिया गया है। BDS टीम के अपने प्रभारी महोदय यहाँ उपस्थित हैं, उसकी जाँच करेंगे और इस बात की भी जाँच होगी कि आखिर रखने में किसका योगदान रहा होगा।